लखनऊ पुलिस ने 19 दिसंबर को हिंसा में शामिल 58 लोगों को भरे चौराहे पर बेआबरू कर दिया है। तस्वीरों के और नाम पते के साथ साथ इनके बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। इन्हें हिंसा के कारण हुए नुकसान की भरपाई का फरमान जारी किया गया है। ये लखनऊ का हजरतगंज चौराहा है जहां हिंसा में शामिल आरोपियों के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। वो हिंसा जो 19 दिसंबर को लखनऊ की सड़कों पर हुई थी। भरे चौराहे पर पोस्टर लगाकर लखनऊ प्रशासन ने 30 दिनों के भीतर इनसे नुकसान की भरपाई की रकम जमा करने को कहा है। हजरतगंज चौराहे पर लगा ये दूसरा पोस्टर है। इन पोस्टरों को देखिए, ये वो तमाम चेहरे हैं जिन्होंने 19 दिसंबर 2019 को लखनऊ की सड़कों पर हिंसक प्रोटेस्ट किया था। ये वो तमाम नाम है। एक बड़ा नाम सैफ अब्बास का है। ये सैफ अब्बास मौलाना है और इनके फॉलोअर्स भी बताए जाते हैं। बताया ये जा रहा है कि जिन लोगों ने हिंसा भड़काई, जिनके खिलाफ जांच में सबूत मिले, ऐसे लोगों की तस्वीरें उनके पते के साथ बाकायदा चौक चौराहों पर लगा दी गई हैं। ये एक थाना यानी ठाकुरगंज थाने में इतने लोग, जबकि ये दूसरा कैसरबाग थाने का पोस्टर लगाया है। इसमें उन लोगों के चेहरे हैं जिन्होंने उन इलाकों में हिंसक प्रोटेस्ट किया था, उन लोगों ने जिनकी वजह से करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ था, जानमाल का नुकसान हुआ था। ये ऐसे पोस्टर्स इस वक्त लगा दिए गए हैं और सरकार इन तमाम लोगों से बाकायदा नाम और पते के साथ ये पोस्टर लगाया है और इनसे क्षतिपूर्ति यानी कि जितना नुकसान हुआ है उसे वसूलने का मन बना चुकी है। इस पोस्टर में कई बड़े नाम हैं, जैसे पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी, सामाजिक कार्यकर्ता सदफ जफर, मौलाना सैफ अब्बास और रंगकर्मी दीपक मिश्रा। इन सभी पर लखनऊ में 19 दिसंबर को हिंसा भड़काने का आरोप है। लखनऊ प्रशासन ने इन्हें वसूली का फाइनल नोटिस जारी किया था। अब चौराहे पर इनके पोस्टर लगा दिए हैं। कुल मिलाकर 58 लोगों को चिन्हित किया गया था। अब इनका चेहरा भी सामने रख दिया गया है। पोस्टर पर इनकी तस्वीर के साथ इनका नाम और पता भी लिखा गया है। आशीष श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर मुंबई के नागपाड़ा में जो जगह है जिसे मुंबई बाग के नाम से जाना जाता है, वहां पर धरने पर बैठी महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने दिन में धूप और रात में ओस से बचने के लिए शेड लगाया था। मुंबई पुलिस इसी शेड को हटाने पहुंची थी, लेकिन महिलाओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। आखिरकार पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। ये महिलाएं 26 जनवरी से ही नागपाड़ा की मोर लैंड रोड पर सीए और एनआरसी के खिलाफ धरने पर बैठे। 1:30 बजे सर हम लोग यहाँ पे ओस पड़ता है, पीछे बैठ नहीं सकते हैं। इसके लिए हमने वो छोटा सा सेट लगाया था। बात इतनी बड़ी नहीं थी। बड़े पैमाने में पुलिस आके हमको ये काटने के लिए उठाने लगी, धक्कम धक्की करने लगी। इसके लिए हम लोग यहाँ पे परेशान होके फिर सब लेडीज लोग पीछे चले गए। आप देख सकते हो कितना आप देख सकते हैं कि शेड इसलिए लगाया क्योंकि हमें अम्ब्रेला यूज करने नहीं दे रहे थे। पुलिस ने हमारे अम्ब्रेला अपने पास रख ली थी। क्या हमें अम्ब्रेला यूज करने तक की आजादी नहीं है इंडिया में? वो तो पर्सनल प्रॉपर्टी है। अम्ब्रेला तो हम लोग किसी पुलिस से पूछ के तो नहीं यूज करेंगे। अम्ब्रेला यूज नहीं करने दे तो बच्चे और बूढ़ों की वजह से वो शेड लगाया गया, वो भी एक साइड पे पीछे की तरफ लगाया गया, उससे उन्हें प्रॉब्लम होने लगी। हम लोग 40 दिन से यहाँ बैठ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कोई कार्यकर्ता आकर हमें ये देख रहा है कि हम 40 दिन से यहाँ क्या कर रहे हैं। एक शेड लगाने की वजह से एक दिन भी नहीं हुआ, उसे हटाने के लिए आ गए। बड़ी खबर से यस बैंक के ग्राहकों के लिए खबर अच्छी नहीं है। बैंक की बिगड़ चुकी हालत को देखते हुए रिजर्व बैंक ने महीने भर में 50,000 से ज्यादा की निकासी पर रोक लगा दी है। खबर मिलते ही कई शहरों में एटीएम के बाहर कैश निकालने वालों की भीड़ जुट गई। यस बैंक के ग्राहकों को बड़ा झटका। महीने में 50,000 से ज्यादा की निकासी नहीं। यस बैंक के एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतार। अफरा तफरी में पैसे निकालने में जुटे लोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मोरेटोरियम के तहत आज यस बैंक पर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट कर दिया। आपको बता दें, इसके बाद यस बैंक में पैसे निकालने की लिमिट 50,000 तय की गई है।
इसके तहत महीने में जो अकाउंट धारक हैं वो सिर्फ 50,000 रुपए ही विड्रॉ कर सकते हैं, 50,000 रुपए ही निकाल सकते हैं अपने अकाउंट से। इससे पहले मुंबई के पीएमसी बैंक का भी यही हाल हुआ था, लेकिन ग्राहकों के लाख परेशान होने, धरना प्रदर्शन करने के बावजूद कोई हल नहीं निकला। अब यस बैंक के ग्राहकों पर मुसीबत टूट पड़ी है। जैसे ही लोगों को खबर मिली, तमाम शहरों में गुरुवार की रात से ही एटीएम के बाहर पैसे निकालने के लिए लोग इकट्ठा हो गए। मुंबई से लेकर अहमदाबाद और जयपुर से कानपुर तक यस बैंक के ग्राहक पैसों की निकासी के लिए कतार में खड़े हो गए। वहीं मुंबई पुलिस ने जहां एसओएस जारी कर एटीएम पर जाकर ये देखना शुरू कर दिया कि कहीं भीड़भाड़ से कानून व्यवस्था की स्थिति तो नहीं बन रही है। जयपुर में आधी रात को भी लोग जितना पैसा निकल सकता था उतना निकालने में जुट गए। कानपुर में भी बैंक के दिवालिया होने के डर से लोग आनन फानन में एटीएम पर इकट्ठा हो गए। हम कानपुर के सिविल लाइन्स एटीएम में आए हुए हैं और अभी अभी घर पहुंचे। जब हम ऑफिस से तो हमें सूचना मिली कि यस बैंक में कुछ थोड़ी सी दिक्कतें आ गई हैं, तो हम अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकालने आए हैं, जिसकी मशीन से थोड़े बहुत निकल तो रहे हैं लेकिन पूरे नहीं हो पाएंगे और हमारा व्यापार भी पूरी तरीके यस बैंक से संबंधित है। हमको सूचना मिली कि यस बैंक में पूरी तरीके से पैसा निकल नहीं रहा, हमारा तो पूरा व्यापार खत्म हो जाएगा। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा हम कैसे क्या करेंगे, कैसे क्या नहीं करेंगे। अभी अभी खबर मिली कि बैंक पूरी तरीके से खत्म हो रही है, 50,000 से ज्यादा मिलेगा नहीं, हमारा पूरा व्यापार खत्म हो जाएगा। वहीं जयपुर में भी लोगों को अपनी गाढ़ी कमाई के डूब जाने का डर सताने लगा। यस बैंक के एटीएम में आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों में एक पैनिक हो गया है और अपने पैसे निकालने के लिए यहां पर आए हुए हैं। लंबी लाइन लगी हुई है जयपुर में, जगह जगह जहां भी एटीएम है यस बैंक का, लोग इसी लाइनों में लगे हुए हैं और अपनी गाढ़ी कमाई को बचाने के लिए आधी रात को उठकर आए हैं। इतना पैसा है, बहुत मुश्किल से जमा करते हैं, इनको लेना ऑनलाइन पड़े। बहुत ज्यादा पैनिक हो गया क्योंकि हम वहाँ ध्यान दें कि यहाँ ध्यान दें, अपने कैश में ध्यान दें। ड्यूटी से बीच में आना पड़ा, ड्यूटी छोड़ के आए, ड्यूटी छोड़ के आए, क्या करते। हमारी जनरेशन ऐसी है ना, जो चीज़ 1,000 में मिलती है उसके भी डिस्काउंट लगाने में हम लोग आधा घंटा एक घंटा वेस्ट कर देते हैं, जब इतने लाखों की कमाई इनके पास पड़ी हुई है तो टेंशन तो होगी ना। अहमदाबाद में भी लोग रात को एटीएम पहुंचे, यहां लोगों में काफी गुस्सा भी दिखा। आरबीआई के जरिए ये फैसला लिया गया है कि यश बैंक का जो भी ट्रांजैक्शन है वो 50,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं कि ये फैसला होने के तुरंत बाद ही यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर जो यश बैंक का एटीएम है वहाँ पे बड़ी लंबी लाइन लग चुकी है। बैंक शुड एटलीस्ट कंसीडर ह्यूमन रिलेशंस एंड ह्यूमन सब्सटेंस, लोगों की सैलरी आ जाइए, उनका घर चलना है। These sort of idiotic decisions cannot be taken by the bank. Decision तो बहुत problematic है, जिनका घर चलता है, जिसको emergency में पैसे चाहिए तो उसे भटक पड़ेगा, और खास करके emergency में कोई medical emergency आए, दूसरा कोई crisis आया तो। So ideally तो ऐसा allow नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए actually. कई जगहों पर जल्दी ही ATM में पैसा खत्म हो गया या फिर सर्वर डाउन हो गया, इससे नाराजगी और बढ़ गई। यस बैंक के ग्राहकों की ये परेशानी यस बैंक के आर्थिक संकट में घिर जाने के चलते आई है। बड़े बड़े कर्ज डूब जाने के बाद यस बैंक की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। बैंक पर लगातार नजर रख रही आरबीआई ने यस बैंक के निदेशक मंडल को भंग कर दिया। एसबीआई के पूर्व उप प्रबंध निदेशक प्रशांत कुमार को यस बैंक का प्रशासक नियुक्त कर दिया। आरबीआई ने ही 50,000 रुपए की निकासी की सीमा तय कर दी। ये सीमा 5 मार्च से 3 अप्रैल तक के लिए लागू की गई है। भले ही निकासी पर 50,000 की लिमिट 3 अप्रैल तक के लिए लगाई गई है, लेकिन ग्राहकों को अपनी जमा पूंजी डूबती नजर आ रही है। मुंबई के पीएमसी बैंक के ग्राहकों के साथ जो हुआ उसकी तस्वीरें लोगों के दिमाग में अब तक ताजा हैं। अहमदाबाद में गोपी घांगर, जयपुर में शरद कुमार और कानपुर में रंजय सिंह के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। देश में कोरोना वायरस से जंग में सरकार पूरी तरह मुस्तैद दिख रही है। कल रात खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, वहां उन्होंने स्क्रीनिंग समेत तमाम इंतजामों का जायजा लिया। अब तक दुनिया के एक बड़े हिस्से को दहशत में डालने वाला कोरोना अब हिंदुस्तान में भी दाखिल हो चुका है। देश में कोरोना से ग्रसित मरीजों की संख्या 30 को पार कर चुकी है। हालांकि इनमें से 3 मरीजों का सफल इलाज हो चुका है, यानी अब तो कोरोना की दहशत
घर घर में महसूस की जाने लगी है। दिल्ली में पांचवीं तक के सभी स्कूल 31 मार्च तक बंद। गाजियाबाद में भी कई स्कूलों में मौजूदा सत्र के लिए पांचवीं तक छुट्टी घोषित। जम्मू, बिहार, तमिलनाडु और कर्नाटक में मिले कोरोना के संदिग्ध। टल गया प्रधानमंत्री का यूरोपियन देशों का दौरा। वक्त से पहले बंद हुआ दिल्ली के राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन। ये आंकड़े वाकई परेशान करने वाले हैं, लेकिन सरकार भी कोरोना से लड़ने की तैयारी कर चुकी है। हिंदुस्तान ने एक सुर में ऐलाने जंग का ऐलान कर दिया है, ये कहते हुए हैं तैयार हम। और मरीजों में वायरस की पुष्टि होने के बाद भारत में इस वक्त कोरोना से ग्रसित मरीजों की संख्या 28 हो चुकी है। 28 में से 15 मरीजों का इलाज गुरुग्राम में चल रहा है। 10 मरीज दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं, एक मरीज तेलंगाना में है, 2 मरीज जयपुर में हैं। इन 28 मरीजों में 16 मरीज इटली के निवासी हैं, जो हिंदुस्तान घूमने आए थे। हालांकि केंद्र सरकार ने लगातार दूसरे दिन देश को भरोसा दिया है कि कोरोना को हराने के लिए हम तैयार हैं। संसद में स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने तैयारियों की जानकारी दी। To ensure availability of critical items like personal protective equipments and N95 masks, the exports of the same were also restricted. A buffer stock of personal protective equipments and N95 masks is maintained by states as well as the union government. सरकार पहले ही कोरोना वायरस से संदिग्ध लोगों की जांच के लिए 15 लैब बना चुकी है और अब 19 और लैब बनाने की तैयारी है। देश के 21 एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले हर यात्री की जांच हो रही है। राज्यों के कई अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड भी बनाए गए हैं। हालात इतने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य सेवाओं के हालात और हवाई मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का जायजा लेने के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचे। सारे देश भर में 6 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग अभी हम लोग कर चुके हैं। कल से सारी अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स की अंदर आने वाले पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। तो अपनी आंखों से मैंने देखा है कि बहुत स्मूथली सारा काम हो रहा है। हालांकि भारत में कोरोना वायरस को लेकर दहशत जरूर है, लेकिन सरकार और डॉक्टर भी लगातार सलाह दे रहे हैं कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधान और एहतियात बरतते हुए इससे डटकर मुकाबला करने की दरकार है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन को कल दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ताहिर की कॉल डिटेल से कुछ बड़े खुलासे भी हुए। इन खुलासों से अंकित शर्मा मर्डर केस में उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली हिंसा के मामले में कई संगीन इल्जामों का सामना कर रहा ताहिर हुसैन दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आ गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सरेंडर करने आए ताहिर हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब ताहिर की कॉल डिटेल खंगालने के बाद पुलिस को कई अहम जानकारी मिली है। 24 से 27 फरवरी तक ताहिर हुसैन के मोबाइल टावर की लोकेशन मुस्तफाबाद की ही थी। चांद बाग भी मुस्तफाबाद में पड़ता है। ताहिर का दावा है कि हिंसा के दौरान और बाद में वो अपनी बिल्डिंग या बिल्डिंग के आसपास की गलियों और इलाकों में रहा। 27 फरवरी के बाद उसकी लोकेशन दिल्ली के जाकिर नगर में मिली थी। उसके बाद उसका फोन बंद हो गया था। इसके बाद उसने पुराना सिम ऑन किया और आम आदमी पार्टी के एक नेता और कुछ वकीलों से बात की थी। पुलिस इस बात पर शक कर रही है कि अगर इलाके में दंगा हुआ और अगर पुलिस ने उसे रेस्क्यू किया जैसा कि वो दावा कर रहा है, तो फिर वो हिंसा प्रभावित इलाकों में इतने दिन क्यों रहा? वहीं 26 फरवरी को जब अंकित शर्मा की हत्या के केस में उसे नामजद किया गया तो उसकी बेचैनी बढ़ गई। हालांकि अंकित शर्मा की हत्या के मामले में वो खुद को बेकसूर बता रहा है। वहीं के जो आपके रहने वाले पड़ोसी हैं, उन्होंने ये कहा कि आपके घर के अंदर आपके बुलाए हुए लोग अंकित को घसीटते हुए ले गए और 400 शव जो है उसमें 400 घाव मिले। देखिए ये तो जांच में ही मालूम पड़ेगा। अंकित की मौत से मैं बेहद दुखी हूँ और मैं उनके दुख में शामिल हूँ,
लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 24 तारीख के शाम को ही वहाँ से 11 बजे के बाद जो है पुलिस ने अपने हैंड ओवर बिल्डिंग को ले लिया था और सारा मामला 25 तारीख का है। और उसके बाद वहाँ कहाँ से दंगे पहुँचे, कैसे सामान पहुँचा, कैसे मेडल पहुँचा, ये तो पुलिस की तहकीकात से मालूम पड़ेगा। मेरा वहाँ कोई मतलब वास्ता नहीं है, ना मैं वहाँ पर था। मतलब आप या आपके लोग वहाँ नहीं थे आपके घर में? जी नहीं, मैं भी नहीं था, मेरा परिवार का भी कोई आदमी नहीं था, जो भी थे सिर्फ दंगे थे, वो दंगे किसी भी मजहब के हो सकते हैं। क्राइम ब्रांच ने फिलहाल ताहिर को खजूरी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 101 के मामले में गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर खजूरी में तैनात एक कांस्टेबल संग्राम सिंह ने दर्ज करवाई थी, जिसमें ताहिर के घर से पेट्रोल बम और पत्थर फेंकने की बात कही गई थी। इस मामले में उपद्रवियों ने संग्राम सिंह की मोटरसाइकिल जला दी थी। संग्राम सिंह ने इस एफआईआर में बताया है कि ताहिर के घर से फेंके जा रहे पेट्रोल बम से बगल में होने वाली शादी का सामान जल गया था। पूनम शर्मा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की एक नई तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर में वो एक बार फिर से सफेद बालों और दाढ़ी में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पीली नीली टी शर्ट और जींस पहनी हुई है, हालांकि इस बार उनके साथ उनके डॉक्टर भी दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। इससे पहले जनवरी में भी उनकी एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें वो सफेद दाढ़ी में टोपी के साथ दिखाई दे रहे थे और पीछे बर्फ ही बर्फ नजर आ रही थी। उमर अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसे उनकी बहन सारा अब्दुल्ला पायलट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सोमवार को इस पर सुनवाई होगी। तो सुबह सुबह में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।